हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि अजमल का एक परफ्यूम है, अजमल 235, ये मैं ट्राई करूं। लेकिन ये जो परफ्यूम है ये रेडीली उनके स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होता है। रिसेंटली मैंने जिस स्टोर पे रिव्यू किया था टॉप 10 अजमल्स का, वहाँ पे भी ये जो परफ्यूम है ये नहीं था। और मैंने नोटिस किया कि अजमल के जो ऑनलाइन स्टोर है, इंडिया का जो स्टोर है, वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैं जनरली ब्लाइंड बाइंग नहीं करता हूँ, तो मैंने पहले सोचा कि ये परफ्यूम जहाँ मिलेगा मैं ट्राई पहले करूँगा। तो लकीली क्या हुआ है कि असम के जो हमारे यहाँ के फर्स्ट स्टोर जो है अजमल का, गुवाहाटी में है वो, तो वहाँ पे मुझे ये परफ्यूम मिल गया ट्राई करने को। तो मैं वहाँ पे मैंने ट्राई किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको बाय कर लिया। तो आज ये जो परफ्यूम है इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे, शेयर करूँगा मेरा जो व्यूज़ है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरा ये काम आपको अच्छा लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। तो प्रेजेंटेशन की बात करो दोस्तों, तो बिल्कुल ही टॉप नॉच का पैकेट दिया हुआ है, पैकेजिंग दिया हुआ है। ये जो आउटर पैकेट है इसमें आपको वुडन टेक्सचर दिख जाएगा, क्योंकि ये जो परफ्यूम है ये ओद बेस्ड है। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर मिल जाएगा, ऊपर में आपको ब्राउन कलर के ऊपर जो गोल्डन टेक्सचर दिया हुआ है। फ्रंट के साइड में आपको अजमल 235 दिख जाएगा, और अजमल यहाँ पे ओद परफ्यूम 70 ml का ये आता है, तो यहाँ पे 70 ml मिल जाएगा आपको। पीछे के साइड में और सारे जो डिटेल्स है वो भी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग MRP। तो इसका जो ऊपर का साइड है वहाँ पे भी अजमल का एक लोगो मिल जाएगा और एक डिज़ाइन है, नीचे आपको एक बारकोड मिल जाएगा। तो ये पैकेजिंग जो है ये दो पार्ट में आते हैं। पहला तो ये आउटर पैकेजिंग, इसको अगर आप खोलेंगे तो आपको एक मिल जाएगा अंदर में ये राउंड पैकेट। इसमें आपको एक वेलवेटी फील मिलेगा, इसमें भी अजमल 235 ओद परफ्यूम दिया हुआ है और ऊपर में एक डिज़ाइन दिया हुआ है। इसका जब आप खोलेंगे तभी जाके आपको आपका परफ्यूम मिलेगा, जो काफ़ी अच्छे से बैठता है अंदर। साथ में आपको अजमल का जो ये कैटलॉग है ये भी मिल जाएगा, ये काफ़ी टाइट बैठता है। इसको आप निकालेंगे तो आपको का परफ्यूम जो है वो मिल जाएगा। तो ये भी इसका जो डिज़ाइन है इसमें वुडन टेक्सचर दिया हुआ है, ग्लास में एंग्रेव्ड करके काम किया गया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके कैप में भी सिमिलर काम किया गया है, और इसका जो नीचे का सेक्शन है यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये मेड इन इंडिया एक प्रोडक्ट है, उद परफॉर्म अजमल और बैच कोड। इसका जो एटोमाइजर है ये गोल्डन कलर का है। तो ये है इसका फुल प्रेजेंटेशन, जो कि मैं कहूँगा एक टॉप नॉच प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसके सैंड प्रोफाइल के बारे में। तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों क्यों इसको मुखल्लत कहते हैं। मुखल्लत जो है ये एक अरबिक टर्म है, जो कि है मिक्स ऑफ डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स। काफ़ी सारे जो परफ्यूम्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उसको मिक्स करके एक मुखल्लत बनाया जाता है, मतलब मुखल्लत परफ्यूम होता है। तो इसका जो टॉप नोट्स है इसमें आपको सेफ्रॉन जो है उसका मुझे प्रोमिनेंट एक नोट मिलता है, रोज़ का भी प्रोमिनेंट नोट मिलता है मुझे, और भी शायद कुछ स्पाइसेस फ्लोरल्स यूज़ किया गया है टॉप नोट में। इसका जो हार्ट नोट है ये भी मैं कहूँगा एम्बरी टाइप एक हार्ट नोट है इसका। और इसका जो बेस नोट है वहाँ पे जाके आपको मिलेगा, मुझे तो मिलता है प्रोमिनेंट जो नोट्स है वो मिलता है, मेरा ओद का तो नोट मिलता ही है, ये एक ओद बेस्ड परफ्यूम है। और इसके साथ आपको सैंडलवुड का नोट मिलेगा और मिलेगा मस्क का नोट। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी नोट जो है
प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि एक पर्टिकुलर नोट उभर के आ रहा है, दूसरे नोट्स टोन डाउन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिल्कुल ही बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन है इसका, और इसीलिए मैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मतलब इसका जो क्वालिटी है ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। और इसको जब आप स्प्रे करेंगे, इसका जो इनिशियल टाइम होता है, जैसे कि हाफ एन आवर अप टू वन एन आवर जो इनिशियली ये प्रोजेक्ट करता है, जब तक इसका जो इनिशियल टॉप नोट्स है वो मतलब ज़बरदस्त होते हैं। आपको आप मतलब बार बार इसको स्प्रे करने का मन करेगा आपको, इतना मतलब मज़ा आता है। पहले पहले इसका ड्राउ डाउन भी अच्छा है, लेकिन ड्राई डाउन में वही आपको ऊद और जो सैंडलवुड है उसका आपको जो है नोट्स मिलेगा, उसका स्मेल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसका जो इनिशियल पहले का जो नोट्स होते सभी जितने भी नोट्स है वो आपको एक साथ मिलेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है खूबसूरत है, गजब का कॉम्बिनेशन है ये। मैंने जब इसको अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद ही मैंने इसको ख़रीद लिया था, और ये फिलहाल मैं कह सकता हूँ मेरा जो अजमल के जितने भी टॉप नीश क्वालिटी के जितने परफ्यूम्स थे उनमें से ये मेरा एक फेवरेट है। इनफैक्ट ये मेरा आज के दिन में ये मेरा टॉप मोस्ट पिक होगा अजमल परफ्यूम्स का। अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सा फेवरेट आपका अजमल का परफ्यूम है, मैं कहूँगा अजमल 235, इतना अच्छा लगा मुझे। और अगर कंपैरिजन की बात करूँ दोस्तों, तो ये मुझे याद दिलाता है एमवाज का जुबिलेशन 25। ये एमवाज का वन ऑफ द नहीं जितने भी रिवर्स है या फिर जितने भी लोग हैं एमवाज के हाउस के परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उनको ये मतलब इन द टॉप थ्री का एमवाज परफ्यूम्स अगर पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं एमवाज का जुबिलेशन 25। तो ये जो परफ्यूम है अजमल का 235, इस ये देखिए नाम भी मिलता है काफ़ी 235 और 20 जुबिलेशन 25, तो इससे काफ़ी एक सिमिलरिटीज़ है। इसमें जो है एक ब्लैक करंट का नोट है और मिर का भी नोट है। ये दो नोट मुझे अजमल 235 में नहीं मिला है, लेकिन बाकी जो नोट्स है ऑलमोस्ट सिमिलर लगा है मुझे मौज का जुबिलेशन 25 से। तो नोट्स प्रोग्रेशन की बात ऑलरेडी मैंने कर लिया है। इनिशियली आपको जो है ओवरऑल जितने भी नोट्स है जो नोट्स मैंने कहा है उसका एक क्लाउड मिलेगा, पूरा एक आपके आप आसपास रहता है। और इन द बेस जो है सैंडलवुड का जो प्रोमिनेंट नोट है, ओद का प्रोमिनेंट नोट है, साथ में एक मस्की फ्लेवर, क्रीमी फ्लेवर आपको मिलेगा। और यहाँ पे अच्छी बात है कि जो ओद का नोट है उसमें बिल्कुल ही स्केंकीनेस नहीं है, बिल्कुल ही जो एनिमलिक वाइब होता है ओद का, हिंदी ओद का वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने कैम्बोडियन ओद यूज़ किया है, क्योंकि इसमें एक स्वीटनेस है, जो ओद का स्वीटनेस होता है कैम्बोडी ओद का वो है इसमें, तो शायद कैम्बोडी का ओद उन्होंने यूज़ किया है। तो ये एक अच्छी बात है जिनको ओद का नोट से डरते हैं, डर लगता है ओद का नोट से, उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ओद है बिल्कुल ही सबटल है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये जो परफ्यूम है इसका प्रोजेक्शन जो है ये मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर दोस्त स्प्रे मैं करता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट ये एक छोटा रूम जो है वो फील कर लेता है। और इसका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 2 आवर्स का प्रोजेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा। और इसका लॉन्जिविटी जो है वो स्किन में आपको एटलीस्ट 8 आवर्स का मिलेगा। और इसका जो अगर आप पूछेंगे कौन से सीजन्स में आप लगाए इसको, तो ये तो जनरल मैं रिकमेंड करूँगा कि विंटर या फिर थोड़ा सा ठंडे जो दिन होते हैं उसमें मैं प्रेफर करूँगा इसको लगाना। और एकदम जो गर्मियों के हाई हीट वाले दिन होते हैं उसमें मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा लगाना।
तो और इसका जो प्राइस है, जैसे कि मैंने आपने आउटर पैकेज में देखा, इसका जो प्राइस है ये है 11,000 रुपीज़, और ये आसानी से आपको डिस्काउंट्स में भी मिल जाएंगे, जैसे कि 8,000 के आसपास ये मिल जाता है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे। और इनके जो वेबसाइट है, अपने वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगा। मैंने रिसेंटली चेक किया था तो उनके वेबसाइट पे कोई भी ऑफ़र नहीं था इस पे, लेकिन जनरली ऑफ़र मिल जाता है, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। जहाँ पे आपको कम मिलेगा, कम प्राइस का मिलेगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक बार मुलाकात होगा किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।